Let's revise a bit x plus 5 whole square. So, first be x square, last line are 5 square, a sign plus extra 2 first term and second term means x square plus 2 phi jar 10x plus 25. Suppose एक्स स्क्र प्लस टेन एक्स इज ओनली गिवन आप दिल तो अभी हम लोग को देखो एक है एक्स स्क्स टेन एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव ये किसका आंसर है एक्स प्लस फाइव स्क्वेर देखते हैं ट्वेंटी फाइव कैसे आंसर आता है जो भी टेन एक्स है ना एक्स एक्सला नहीं लिया ये जो भी कॉर्डिनेटर है टेन अपॉन टू स्क्वेर टेन अपॉइंट टू फाइव स्क्वायर आ गया थर्ड टर्म वन सम एक्स माइनस सेवन होल स्क्वायर तो पहले आएगा एक्स स्क्वायर लास्ट टर्म इज सेवन स्क्वायर एंड स्क्वायर इज नेवर निगेटिव ओके साइन फॉलो टू एक्स्ट्रा एक्स एंड सेवन बराबर बर ना ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ये साइन नीचे आएगा आंसर है एक्स स्क्र टू सेवन जा फोर्टीन एक्स प्लस फोर्टी नाइन इन दिस टॉपिक वी आर लर्निंग हाउ टू फाइंड थर्ड टर्म हे कस का चेक करते हैं अभी हम लोग को सिर्फ इतना ही दिया है एक्स स्क्वेयर माइनस फोर्टीन एक्स और हम लोग को निकालना है ये थर्ड में क्या आने वाला है कैसे निकालेंगे एक्स नहीं लिखेंगे एक्स का कोऑर्डिनेट इज 14, उसको अपॉन टू उसका स्क्वायर, 14 अपॉन टू इज सेवन स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्टी नाइन तो अगर यहाँ पे 49 आता है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस सेवन स्क्वेयर अपने थर्ड टर्म काढ़ाए थर्ड टर्म भेटले ले कि अपन हेला ब्रैकेट बनू सकते करना क्या है दो टर्म है थर्ड टर्म आने के बाद इसको ब्रैकेट स्क्वायर बना सकते हैं जैसे एक्स माइनस सेवन स्क्सर माइनस फोर्टीन एक्स प्लस फोर्टी इसमें फोर्टी नाइन नहीं दिया है तो फोर्टी नाइन हम लोग को ढूंढना है ओके फर्स्ट थिंग मुझे फर्स्ट टर्म उठानी है सेकंड टर्म और थर्ड टर्म में लाने वाला हूं जो आइडिया अभी हम लोग ने देखी वैसे तो क्या होगा ये हो गया ए एक्स स्क्वायर ये हो गया बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो तो ये जो बी एक्स है ना वो बी अपॉन टू स्क्वायर करेंगे तो वी गेट थर्ड टर्म ये हमेशा ध्यान में रखना ओके okay? तो क्या करेंगे हम लोग टेन एक्स है तो टेन ना टेन अपॉन टू होल स्क्वायर टेन अपॉइंट टू इज फाइव स्क्वेयर फाइव स्क्र इज ट्वेंटी फाइव तो ये ट्वेंटी फाइव को हम लोग यहां पे ला रहे हैं. कैसे एक्स स्क्वे प्लस टेन एक्स ये दो टर्म थे तीसरा टर्म हम लोग ने लाया ट्वेंटी फाइव तो अभी ये क्या बनने वाला है ब्रैकेट फिर हम लोग बोलेंगे अगर ये प्लस ट्वेंटी फाइव किया तो करना पड़ेगा माइनस ट्वेंटी फाइव क्योंकि हम लोग कुछ भी ऐड नहीं कर सकते अगर ऐड किया तो सब भी करना पड़ेगा ओके ये दो लिखे हमने और फिर ये जो बचा हुआ है सी लिया बाकी होता तो लिउाकला आराम से नाव इसको हमने बना दिया ब्रैकेट कैसे ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो दिस बिकम एक्स ये जो भी साइन रहेगा और ये किसका स्क्वायर है फाइव ये इतना सिंपल है इसका क्या हो गया माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी फोर दोनों का साइन सेम अगर साइन सेम है तो एडिशन ट्वेंटी फोर इज फाइव फोर एंड टू टू इज फोर क्या हम लोगों ने इसको कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया नाउसी एक्स प्लस स्क्वे माइनस फोर्टी नाइन राइट लगेला फोर्टी नाइन फिर यह स्क्र है ना तो हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे टेकिंग स्क्र रूट तो एक्स प्लस फाइव हो गया स्क्वायर रूट स्क्वायर चला गया तो इसका भी आ गया स्क्वायर रूट सिर्फ एक थिंग स्क् रूट में हम लोग दोनों साइन लिखेंगे प्लस भी और माइनस भी क्योंकि सेवन का स्क्वायर भी फोर्टी नाइन आता है और माइनस सेवन का स्क्वायर भी फोर्टी नाइन आता है तो फोर्टी नाइन का स्क्वायर रूट सेवन और माइनस सेवन दोनों है तो एक्स प्लस फाइव प्लस माइनस फोर्टी नाइन का स्क्वायर रूट आ गया सेवेन, एक वर्ग मूल लीला सात नाव है प्लस फाइव है राइट में चला जाएगा तो प्लस फाइव राइट में गया तो हो जाएगा माइनस फाइव प्लस माइनस सेवन तो देर आर अभी टू ऑप्शन टू माइनस फाइव प्लस सेवन माइनस फाइव प्लस सेवन और एक्स इक्वल टू तो माइनस फाइव माइनस सेवन साइन डिफरेंट साइन डिफरेंट है तो सब्रैक्शन सेवन माइनस फाइव टू और बड़े नंबर का साइन और क्यूवा एक्स इज इक्वल टू सेम साइन है तो दोनों का हो जाएगा सेम साइन तो एडिशन बड़े नंबर का साइन तो दिस इज अवर सोल्यूशन टू एंड माइनस ट्वेल्व ही आप उकल ना ए स्क्वेयर माइनस फोर्टीन ए इज इक्वल टू थर्टी टू नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं इन केस ऑफ क्वारिक इक्वेशन हम लोग सबको लेफ्ट में लेके आते हैं ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सर्वाना अपन लेफ्ट लान तो बट इन कंप्लीटिंग स्क्र मेथड वैसे भी हम लोग को इसको राइट right में भगाना था तो इसको वहां पे रहने देते थे लड़ाऊ दे तिकड़े ओके okay, अभी ये हो गया फर्स्ट टर्म ए एक्स स्क्वायर ये बी एक्स और सी तो राइट right में चला गया ये क्या है हम लोगों को क्या निकालना रहता है बी अपॉन टू स्क्वेयर ए स्क्वायर बी एक्स ये हो गया फोर्टीन अपॉन टू स्क्वेर टू एन जो टू टू सेवन फोर्टीन इट इज फोर्टी नाइन तो ये फर्स्ट टर्म हो गया ए स्क्वेर सेकेंड टर्म माइनस फोर्टीन ए थर्ड टर्म हम लोग ने लाया माइनस सॉरी प्लस फोर्टी नाइन इज इक्वल टू तो थर्टी टू अगर प्लस किया तो माइनस भी करना पड़ेगा दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप जर अपन प्लस के फोर्टी नाइन तो अपने माइनस फोर्टी नाइन ही स्टेप इंपॉर्टेंट है अभी ये तीनों का मिलके क्या बन गया ब्रैकेट या है जाले ब्रैकेट दिस इज दिस इज माइनस साइन और ये किसका स्क्वायर है सेवन का होल स्क्वायर ये माइनस फोर्टी नाइन राइट में चला गया तो थर्टी टू प्लस फोर्टी नाइन नाइन टेन इलेवन वन कैरी वन फाइव सिक्स सेवन एट एटी वन तो ए माइनस सेवन होल स्क्वायर इज एटी वन अभी तो आगे का इजी है आगे क्या करेंगे हम लोग ये स्क्र है राइट में जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा तो ए माइनस सेवन इज एटी वन का स्क्वायर रूट लेकिन जब भी रूट लेंगे दो ऑप्शन रहेंगे पॉजिटिव और निगेटिव फिर ए माइनस सेवन इज इक्वल टू या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव एटी वन स्क्वायर रूट इज नाइन एक सौ वर्ग मुड़ाला नौ अभी ये माइनस सेवन को राइट में शिफ्ट करेंगे राइट में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस सेवन प्लस सेवन और ये प्लस माइनस नाइन फिर एज इक्वल टू सेवन प्लस नाइन और एज इक्वल टू सेवन माइनस नाइन ए इज इक्वल टू सेवन प्लस नाइन ये तो इजी हो गया क्यों माँ? ए बराबर सात आतना नौ जाते हैं सेवन माइनस नाइन पॉसिबल नहीं है तो नाइन माइनस सेवन करेंगे टू मोटा संख्या से चिन्ह हमेशा साइन रहेगा बड़े नंबर का सो अवर सोल्यूशन अपनी उकल जाली सोलाज दीट लक्ष्य दया एक्स स्क्स एक्स माइनस वन वन जीरो क्या करना है हम लोगों को एक्स स्क्वेयर आंसर स्टार्ट हो गया प्लस एक्स माइनस वन वन जीरो इज इक्वल टू जीरो तो मेरे काम का है ना इसको राइट में भेजना है बराबर बर है चीन घेना देना माला अभी यहां पे हम लोगों क्या चाहिए b अपॉन टू स्क्वेयर चाहिए मतलब क्या चाहिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इसका कोऑर्डिनेट अभी कौन है कौन है सगुणक वन अपॉन टू होल स्क्वायर वन स्क्वायर इज वन टू स्क्वायेर इज फोर तो ये हो गया अपना थर्ड टर्म इसको यहां पे एडजस्ट करना है देर फोर एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन अपॉइंट फोर और प्लस किया तो हम लोग को फिर करना पड़ेगा माइनस वन अपॉइंट फोर और ऑलरेडी ये वन वन जीरो पे इज इक्वल टू रहेगा उसका अपॉन टू स्क्र तो वन अपॉइंट टू स्क्वेयर वन अपॉइंट फोर प्लस किया माइनस किया अभी ये जो तीनों है पहले इनका बनेगा एक ब्रैकेट हेन से बने लगे ब्रैकेट दिस इज एक्स किसका स्क्वायर है एक्स फिर ये साइन अधिक लीला अपन और ये वन किसका स्क्वायर है वन का और फोर किसका टू का ये तीनों का मिला के बन गया ब्रैकेट ओके ना अभी इसको राइट में भेज देते हैं ये माइनस को राइट में भेज देते हैं तो माइनस वन वन टेन विल बिकम वन वन टेन और माइनस हो जाएगा प्लस वन अपॉन फोर आराम से हम लोग ने प्रैक्टिस की थी नीचे कौन है डिनोमिनेटर फोर छेद आए चार फिर क्रॉस फोर यहाँ पे आ गया तो फोर जीरो जा जीरो फोर वन जा फोर फोर वन जा फोर प्लस यहां से जाने के लिए कोई नहीं है तो वन तो ये आंसर आ गया फोर फोर्टी वन अपॉन फोर लेफ्ट साइड इज एक्स प्लस वन अपॉन टू होल स्क्वेयर दैट इज वेटिंग स्क्वेयर मेथड वर्ग पूर्ण कर फिर आ गया वन एक्स प्लस वन अपॉइंट टू स्क्वेयर अब ये स्क्वेयर भगाना है मतलब स्क्वेयर रूट निकालना है तो यहाँ पे बचा x प्लस वन अपॉन्ट टू राइट में जाके बनेगा पॉजिटिव निगेटिव ये तो हम लोग को समझ में आ गया अभी स्क्वा रूट ऑफ फोर फोर्टी वन अपॉन फोर तो फोर फोर्टी वन किस स्क्वेयर है ट्वेंटी वन का और फोर टू का पॉजिटिव निगेटिव एक्स प्लस वन अपॉन टू इज इक्वल टू पॉजिटिव निगेटिव ट्वेंटी वन अपॉन टू नाउ ये प्लस जाएगा राइट में तो एक्स इज इक्वल टू यह प्लस गया राइट में तो क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन टू और ये है प्लस माइनस ट्वेंटी वन अपॉन टू नाउ देर आर टू ऑप्शन देर फोर एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉइंट टू प्लस ट्वेंटी वन अपॉइंट टू और x इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू माइनस ट्वेंटी वन अपॉन टू है ना एक बार प्लस एक बार माइनस डिनोमिनेटर सेम डिनिनेटर सेम छेद है समान माइनस वन प्लस ट्वेंटी वन माइनस वन प्लस ट्वेंटी वन क्यों डिनोमिनेटर सेम छेद समान माइनस वन माइनस ट्वेंटी वन तो साइन डिफरेंट चिन्ह भिन्न वजा बाकी तो so, आंसर आया ट्वेंटी बड़े नंबर का साइन मोटा संख्य चिन्ह अपॉन टू टू टेन ज ट्वेंटी और एक्स इज इक्वल टू साइन सेम सेम साइन एडिशन जाली ट्वेंटी टू बड़े नंबर का साइन टू वन जो टू टू वन जो टू साइन माइनस और सोलूशन इज टेन एंड माइनस इलेवन स्टॉप करके एक बार रिवर्स करके रिवाइंड करके एक बार देख लेना नहीं समझ में आया तीसरी बार देखना यू विल बेटर अंडरस्टैंड वाइल राइटिंग दिस डाउन तो देखने के बाद uh, अपने आप सॉल्व करो कई प्रॉब्लम आला तर फक्त वीडियो ऑन बगा ओके लेट अस सी वन मोर यहां पे कोऑर्डिनेट है एस इन लास्ट लेक्चर अपने लाई स्क्वेर कभीपन एकटा पाजे तो फर्स्ट थिंग हम लोग क्या करेंगे ये टू वाई स्क्वेयर से टू निकाल देना पड़ेगा अगर यहां पे अपॉन्ट किया सर्व पदार्थ अपॉन टू कराए लगे तो ये हो जाएगा नाइन वाई अपॉन टू प्लस टेन अपॉन टू इज इक्वल टू जीरो टू कट नाउ इट बिकम्स वाई स्क्वेर ये हो गया नाइन अपॉन टू वाई टेन अपॉइंट टू इज फाइव इज इक्वल टू जीरो ये हो गया अपना नया इक्वेशन कन्वर्टेड इक्वेशन नौ हम लोग को अगर थर्ड पता है ना यहां पे एक बार प्लस करना है माइनस करना है तो उसके लिए कौन चाहिए हमें बी एक्स है ए एक्स स्क्स बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो तो हमें अभी कौन चाहिए बी अपॉन टू स्क्वायर इतना तो समझ में आ गया ना आपके अभी आप बी कौन है नाइन अपॉन टू इज ऑलरेडी अपॉन टू तो अगर वहां पे नाइन अपॉन टू है तो फिर कैसे अपॉन टू लिखेंगे उसके बदले में वील रेट नाइन अपॉन टू अपॉन टू लिखना है उसके बदले लिखेंगे इन टू वन अपॉन टू तो टेन अपॉन फोर अपॉन टू लिखना है तो कैसे लिखेंगे टेन अपॉन फोर इन टू वन अपॉन टू तो अपॉन टू लिखने के बदले लिखेंगे हम लोग इंटू वन अपॉन टू तो नाव ये हो गया नाइन अपॉन टू ऑलरेडी फ्रैक्शन है तो अपॉन टू लिखने के बदले लिखेंगे इन टू वन अपॉन टू थोड़ा सा बदल के ला अपन लक्ष्य आला ना तुम चा यहाँ पे कुछ कटवट नहीं हो रहा है तो नाइन वन जा 9, 2, 2 जा फोर एंड स्क्वेर नाइन स्क्वेयर इज एटी वन एंड फोर स्क्वायर इज सिक्सटीन तो ये हम लोग को करना है प्लस भी और माइनस भी मग यह दिसल वाई स्क्वेयर प्लस नाइन अपॉन टू वाई प्लस दिस एटी वन अपॉइंट सिक्सटीन माइनस एटी वन अपॉइंट सिक्सटीन और कुछ लिखने का बाकी है ना यहाँ पे फाइव प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो फिर याद है ना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये तीनों का हो जाएगा ब्रैकेट तो ये हो गया वाई दिस साइन प्लस और ये कौन है नाइन ये कौन है फोर स्क्वायर तो ये इसका तीनों का हो गया एक ब्रैकेट या तीन ही प्रदान से चला कौन सा ब्रैकेट अब ये माइनस है इसको भगाते राइट right में तो ये हो जाएगा प्लस और ये प्लस राइट में चला हो जाए जा राइट में जाएगा तो हो जाएगा माइनस तो माइनस हो गया प्लस प्लस हो गया माइनस क्योंकि हम लोग ने साइड चेंज कर दी उस भीकड़े पाठ हो y प्लस नाइन अपॉन फोर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये पता है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले आएगा नीचे सिक्सटीन यहां पे क्रॉस नथिंग एटी वन सिक्सटीन फाइजा एटी एटी वन माइनस एटी आ गया वन अपॉन सिक्सटीन लेफ्ट में है वाई प्लस नाइन अपॉन फोर होल स्क्वायर नाउ ये स्क्वायर है तो इसको करना है स्क्वायर रूट तो y प्लस नाइन अपॉन फोर ये स्क्वेयर है तो राइट right साइड का हो जाएगा स्क्वायर रूट तो ये हो जाएगा प्लस माइनस अभी तो सबके ध्यान में है प्लस माइनस क्यों लिखना है वन अपॉन सिक्सटीन वन का स्क्वायर रूट है वन सोलह सौ सो वर्ग है चार सिक्सटीन का है फोर और ये प्लस एंड माइनस ये हो गया वाई प्लस नाइन अपॉन फोर नौ ये प्लस नाइन अपॉन फोर चला जाएगा राइट right में तो हो जाएगा माइनस नाइन अपॉन फोर और ये ऑलरेडी है प्लस माइनस वन अपॉन फोर ओके देर फोर टू ऑप्शन आदर वाई इज इक्वल टू माइनस नाइन अपॉन फोर प्लस वन अपॉन फोर और क्यों वाई इज इक्वल टू माइनस नाइन अपॉन फोर माइनस वन अपॉइंट फोर अभी तो ईजी है आगे का टर सेम छेद समान है माइनस नाइन प्लस वन और वाई इज इक्वल टू डीमिनेटर सेमस नाइन माइनस वन माइनस नाइन माइनस वन वाई की वैल्यू आ गई साइन डिफरेंट साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्शन वजा बाकी के लिए तो बड़े नंबर का साइन साइन हमेशा बड़े नंबर का फोर वन जो फोर फोर टू जा एट लेकिन उसका साइन है माइनस टू यहां पे आ गया सेम साइन माइनस नाइन माइनस वन सेम साइन चिन्ह समान बेरिस तो आ गया टेन और बड़े नंबर का साइन हमेशा दे आर डिवाइडेड बाय टू टू फाइव जा टेन और टू टू जा फोर लेकिन ये साइन देना बाकी है सो आवर सॉल्यूशन इज आवर सॉल्यूशन इज minus 2 and minus phi upon